आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ KOH इज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन वन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और गेट्स डबल। तो यहाँ पे फर्स्ट हम रिएक्शन चेक कर लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे हमें दिए गए हैं, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब यहाँ पे हम एक्वस KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे एक्वस KOH के ऊपर ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब इस स्टेप में OH- आके यहाँ पे अटैक करता है एंड देन CH3 एंड यहाँ पे OH। ओके, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है, अब ये रिएक्शन कौन, मतलब दो स्टेप है, स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, राइट? दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हम देखेंगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ ये ब्रोमाइड, जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसके ऊपर ही ये स्टेप डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ये जो फर्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये बस इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे OH का कंसेंट्रेशन, OH के कंसेंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। Does not depend on OH- concentration, right? Rate determining step में किसके concentration के ऊपर depend करेगा? सिर्फ substrate या फिर जो जो bromide compound है, substrate या फिर जो bromide compound है, उसके concentration के ऊपर rate determining step depend करता है। इसीलिए ये जो rate है, ये मतलब ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का, जो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। ओके, इसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इस न्यूक्लियोफाइल या फिर OH के कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ KOH इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, क्योंकि KOH के कंसेंट्रेशन के ऊपर, यहाँ पे हम OH- यानी कि KOH यूज करते हैं, तो KOH के कंसेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता। रेट सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नॉट द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में OH- चाहिए होता है, सेकेंड स्टेप में, मतलब सेकेंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। ओके, तो इसीलिए रेट जो है वो सेम रहेगा, चाहे हम KOH के कंसेंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, रेट हमेशा सेम रहेगा। अगर हम इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वो रेट के ऊपर इफेक्ट करेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज द राइट वन। थैंक यू। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।